हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिबा इनू कॉइन और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले दोस्तों। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। अगर हम मार्केट की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहां पर वीकेंड शुरू हो चुका है। मार्केट अभी लगभग 24 आवर्स में 3.33% डाउन में चल रहा है। टोटल मार्केट के 2.14 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। BTC की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं $45,000 के ऊपर अभी देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर वॉल्यूम कम होने की वजह से ये थोड़ा सा और डाउन में भी जा सकता है। जो मेजर सपोर्ट है दोस्तों, एक तरीके से 45,000 ही है। अगर ये इसे ब्रेक करता है तो ये हमें 42-43 के अराउंड देखने को मिल सकता है। अगर हम यहां पर शिबा की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं शिबा यहां पर 0.00031 पर आ चुका है। जो उसका मेजर सपोर्ट था 35 का, उसको ब्रेक कर दिया है, अब और थोड़ा डाउन में आया हुआ है। और यहां पर अगर आप देखें सपोर्ट 0.00030 का जो सपोर्ट है दोस्तों, उस पर अभी ये बना हुआ है। 24 आवर्स में देखें तो लगभग 5% डाउन में चल रहा है। अगर बात करें 1 वीक, 8% डाउन में है। और मार्केट कैप यहां पर 18 बिलियन डॉलर से भी नीचे आ गया, लगभग 17.10 बिलियन डॉलर। अब आते हैं दोस्तों शिबा इनू बर्निंग से जुड़ी अपडेट्स की ओर। तो आप यहां पर देख सकते हैं शिबा इनू कॉइन लगातार बर्न किए जा रहे हैं। मोबाइल गेम के थ्रू यहां पर लगभग 120 मिलियन शिबा इनू कॉइन को बर्न कर दिया गया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा यहां पर मोबाइल गेम के थ्रू भी शिबा इनू कॉइन को बर्न किया जा रहा है। द ब्रिकबस्टर मोबाइल गेम, जिसने लगभग अभी तक यहां पर 120 मिलियन शिबा इनू कॉइन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब बर्न कर दिया है। और अगर हम अर्निंग की बात करें तो इन्होंने लगभग यहां पर $5,010 की अर्निंग की थी एड रेवेन्यू के थ्रू नवंबर में। और इनके जो डेवलपर है उन्होंने ये बताया हुआ है कि लगभग 120 मिलियन शिबा इनू टोकन को इन्होंने 15 दिसंबर तक बर्न कर दिया है। काफी बड़ी क्वांटिटी में दोस्तों इन्होंने यहां पर बर्निंग की है और ये बर्निंग लगातार करते जाएंगे, मतलब अभी भी यहां पर बर्निंग नहीं रुकी है। और इसी तरीके से गेम का जो रिवेन्यू होगा उससे ये लगातार यहाँ पर शिबा इनू कॉइन को बर्न करते रहेंगे। और बर्निंग से जुड़ी ही एक और अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो स्टीवन कूपर के द्वारा दी गई है। यहाँ पर लगभग एक हफ्ता बचा हुआ है और शिब होल्डर्स को यहाँ पर ये लगातार टेक कर रहे हैं कि आपको पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर जो बर्न पार्टी इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही है 26 दिसंबर को। अगर हम इनके करेंट पोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर लगभग 156 मिलियन हो चुकी है। वी विल बी बर्निंग लाइव ड्यूरिंग द इवेंट। और इन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि हम लाइव इवेंट के दौरान यहां पर शिबा इनू कॉइन को बर्न करेंगे। आप जाकर यहां पर इनको फॉलो भी कर सकते हैं और यहां पर पूरी डिटेल्स भी दी गई है कि किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहां पर आस्क द डॉक्टर की, तो दोस्तों इन्होंने यहां पर एक गिव अवे रखा हुआ है, आस्क द डॉक्टर टेस्ला गिव अवे। और इस गिव अवे में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको यहां पर साइन अप या लॉग इन करना पड़ेगा बाइनेंस के अकाउंट पर, अगर आप बाइनेंस पर ट्रेड करते हैं, या फिर अगर आप कॉइन बेस पर ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं। आपको यहां पर शिब डॉज के पेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब लगभग $10 के जो डॉज कॉइन है उनको आपको शिब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लेस अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर कन्वर्जन इन द कमेंट्स बिलो। और आपको उसका स्क्रीनशॉट यहां पर कन्वर्जन में डालना पड़ेगा जो कमेंट सेक्शन है वहां पर। और इस तरीके से आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आस्क द डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम बर्निंग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर लास्ट कुछ आवर्स में लगभग 7,94,912 शिबा इनू टोकन को बर्न कर दिया गया है। शिब बर्न जो लगातार यहां पर बर्निंग से जुड़ी अपडेट्स प्रोवाइड करता है। अगर आप ईथर स्क्रीन पर देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 8 आवर 6 मिनट्स पहले का ये ट्रांजेक्शन है। और अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करें तो लगभग $25 के शिबा इनू टोकन को यहां पर बर्न किया गया। तो बर्निंग जो है दोस्तों वो लगातार जारी है। अगर हम शिब बर्न की बात करें तो यहां पर ये लगातार बर्निंग से जुड़ी अपडेट्स प्रोवाइड जरूर करते हैं। और इसके साथ ही यहां पर इन्होंने अपने वेबसाइट पर नया काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं नए ईयर से, मतलब न्यू ईयर से आप देखेंगे यहां पर कोई भी शिबा इनू टोकन को बर्न करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इनकी जो वेबसाइट है उस पर पोस्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि कौन यहां पर शिबा इनू टोकन को बर्न कर रहा है। अगर हम पूरी कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी यहां पर लगातार शिबा कॉइन को बर्न कर रही है। कॉइन जेको की जो लिस्ट है दोस्तों वो जारी हुई है टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स की। और अगर उसमें आप देखें तो यहां पर नंबर 17 पर शिबा इनू कॉइन आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैप 18 बिलियन डॉलर है। अगर हम बात करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट की दोस्तों, तो उसमें टॉप 10 में शिबा इनू कॉइन इस बार नहीं देखने को मिल रहा है 11 दिसंबर से 17 दिसंबर के बीच में। क्योंकि यहां पर अगर आप शिबा को देखें तो काफी ज्यादा डाउन में गया हुआ है। बहुत सारे लोग पैनिक में आकर सेल आउट भी कर रहे हैं और यहां से एग्जिट भी ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने शिबा इनू कॉइन को होल्ड किया हुआ है दोस्तों, तो आपको यहां पर कुछ दिनों तक तो जरूर होल्ड करना चाहिए ताकि आपका लॉस यहां से रिकवर हो जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में शिबा यहां पर नहीं बढ़ने वाला है, तो फिर ये आपका डिसीजन हो सकता है कि आपको यहां से एग्जिट लेना है या नहीं लेना है। लेकिन कोशिश करिए कि कम से कम लॉस उठाकर ही आप इससे एग्जिट ले। अगर हम देखें अभी दोस्तों, तो सपोर्ट पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं 0.00030 का जो सपोर्ट एरिया है वहां पर यह बना हुआ है। पहले यही रेजिस्टेंस था जिसे इसने
उसने क्रॉस किया था और अच्छा खासा ऊपर की ओर गया था और फिर से उसी लेवल पर आ गया जो इसका अब सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 23 अक्टूबर को जब इसने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था और उसके बाद अगर आप देखें तो ये फिर से ऑल टाइम हाई पर गया था लगभग 0.00088। अगर हम इंडियन रुपीज में बात करें तो 0.0065 तक गया था। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से उसी सपोर्ट लेवल पर आ गया है। तो ये यहाँ पर इसका मेजर सपोर्ट है जहां से दोस्तों ये बाउंस ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर ये और थोड़ा डाउन में आ सकता है। तो आप यहां पर अगर ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं यहां पर। अगर मार्केट रिकवर करेगा दोस्तों, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो अभी वॉल्यूम कम रहेगा आज और कल के दिन, लेकिन यहां पर जब मार्केट ओपन होगा मंडे के दिन तो आप देखेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो बीटीसी अगर रिकवर करता है तो यहां पर आप देखेंगे शिबा फिर से रिकवर करता हुआ नजर आएगा। मेजर सपोर्ट हम बात करें यहां पर तो बन चुका है 0.00030 जहां पर अभी ये बना हुआ है। अगर हम बीटीसी की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं बीटीसी यहां पर $45,871 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी अगर हम देखें दोस्तों तो यहां पर उम्मीद थोड़ी कम है कि ये फिर से बाउंस बैक करेगा। यहां पर ये वन डे का फ्रेम आप देख रहे हैं, अगर हम यहां पर 4 आवर्स का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर जो कैंडल्स है वो ग्रीन नहीं दिखाई दे रही है, रेड कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही है। कल यहां पर अगर आप देखें तो 45455 पर गया था जो लास्ट वीक आपको देखने को मिल रही है, और अभी भी अगर आप देखें तो उसी रेंज में ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। देखें तो ये इसे ब्रेक भी कर सकता है और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा दोस्तों तो ये लगभग यहां पर आपको $42,000-$43,000 पर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल उसे अभी अवॉइड कीजिए। दोस्तों यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि आपके वॉलेट में आप बैलेंस जरूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम वज्रेक्स की बात करें या फिर इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें तो हो सकता है यहां पर जब मार्केट और डीप में जाएगा यहां पर जो अमाउंट है वो एड नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पहले से ही अमाउंट रखना चाहिए अपने वॉलेट में, या तो यूएसडीटी के पेयर में आप रख सकते हैं या फिर INR में रख सकते हैं, ताकि जब मार्केट डीप में जाए तो आप यहां पर कुछ कॉइन्स को ग्रेप कर सकें। दोस्तों और कोई भी अपडेट निकल कर आती है क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई तो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, तो चैनल से जुड़ जाएं, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।